मोदीनगर से हैं सुधा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर, तुम मेरा नमस्कार। आदाब, जय हिंद। बताइए सुधा जी। डॉक्टर, मुझे वेरी सीवियर सी प्रॉब्लम है पैरों में। वेरिकोस वेन बता जी रहे। जी जी अच्छा, वो फूली हुई है, नसें नसें फूल गई हैं आपकी पैरों में। हाँ जी, हाँ जी, करके सुन रही है। और अगर मैं टॉपिक पहने रखनी चाह रही हूँ, और अगर नहीं पहनती हूँ तो बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है मेरे पैर में, एंकल में। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 65 ईयर्स। अच्छा, देखिए इसकी तकलीफ तो जा सकती है, सूजन भी जा सकती है, लेकिन नर्व को हम सुकेड़ नहीं सकते। बाकी सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो सकती हैं। और एक नुस्खा है, आप लिख लें, आसान भी है, आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान यह है कि अलसी, आप जानते हैं, अलसी ले लें, 400-500 ग्राम अलसी खरीद लें। इसको हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें। और एक आता है गौंसिया, ठीक है, अलसी तो नकली नहीं मिलती, लेकिन गौंसिया नकली बहुत मिलने लगा। मोदीनगर में भी नकली कई लोगों ने शिकायत की। तो असली गौंसिया यानी काला गौंद कहते हैं इसे, कड़वा होता है जायके में, इसको ख़रीद लें और आधा ग्राम इसका पाउडर बना लें, ये रॉ मटेरियल है। और 1 चम्मच अलसी, आधा ग्राम गौंसिया खाएं नाश्ते के बाद, मिक्स करके खा सकते हैं, और रात को भी ऐसी खाएं खाने के बाद, दूध से या पानी से जैसा आप चाहें, और बगैर चर्बी के दूध से लें अगर लेना है दूध से, तो 5-7 दिन बाद फ़ायदा शुरू होता है। असली मिलना लाजिम है, नकली बहुत मिलता है। 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है, आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, आपको फायदा मुमकिन। जी, नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी कर्नल वर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। आदाब साहब। आदाब, आदाब कर्नल साहब, वेलकम। मेरे को तो बस एक सवाल एक ही है, और बाकी आपने जो कहा कि इज्जत की बात की, तो बहुत सारे 24 घंटे चलते हैं, हकीम है, तबीब है, नजूमी है, लेकिन जो कहते ना कि आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, तुलता है बसर जिसमें वो मिजान है, आंखें लग भी खाए इससे हकीकत नहीं छुपती है। सही बात कहा आपने, सच्चे तो, आप सच्चे जौहरी हैं। और क्या सवाल है? एक बहुत दिनों का मैं अपना ख्याल आपके लिए सुनाना चाहता हूँ, तवज्जो चाहूंगा कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है। सादगी में भी कयामत की अदा होती है। वाह वाह। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको पता है कितनों की कजा हो जाती है। ओह क्या शेर सुनाया, कितनों की कजा होती है। और कोई सवाल? सवाल यह है कि बच्ची ने लिखा है वो बाल धोने के लिए ये सीका काई, आंवला, रीठा और छोटी आड़, इसके अलावा और कुछ बनाना है इसके अंदर? नहीं, मेरी तरफ से तो ये नुस्खा काफी है। हाँ। अगर आपको कोई अच्छी चीज मालूम हो तो इसमें मिला सकते हैं। वैसे यही बहुत प्रचलित है। और देखिए आपने कितने सारे शेर सुना दिए, और मैं अगर शेर सुनाऊंगा तो मेरे फ़ोन में है और किसी की कॉल रह जाएगी, वक्त बहुत कम है, कभी और शेर सुना दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी आप जो है वो जहाँ दीदा आदमी हैं, आप जैसे आदमी को उससे मुझे सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। मैं भी आपकी, यकीन करें, उतनी इज्जत करता हूँ और करता रहूँगा। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर हैं राजस्थान से, दीपक जी स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब, आदाब। आदाब साहब। सर वो मेरे पिताजी को बार बार फुंसी हो जाती है, वो मिट नहीं रही है। फुंसी हो जाती है? हाँ, वो पका वाली फुंसी छोटी टाइप में। ठीक है जी। जी ये देखिए, गौंद मोरिंगा सफ़ेद आता है, असली वाला ले लें,
ये सफ़ेद वाला ही लेना है, कोई लाल दे पीला दे या नकली दे तो नहीं लेना, असली मिल जाए तो 1 ग्राम पानी में मिला के रोज़ाना पिला दिया करें, या बगैर चर्बी के दूध में मिला के पिला दिया करें, इनका ये रोग ठीक होना मुमकिन है। तो दीपक जी छोटा सा नुस्खा जो आपको जल्द से जल्द अपनाना है, लेकिन एक बात से आप लोगों को दर्शकों मैं यहाँ पे सावधान करती आ रही हूँ कि मार्केट में अगर आपको कोई भी रॉ मटेरियल दिखता है मिलता है, चाहे वो किसी परचून की शॉप पे ही क्यों ना हो, असली नकली में पहचान कर लीजिए, क्योंकि नकलची बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आप लोग ठगी के शिकार हो सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर लगातार आप लोगों के सामने फ्लैश किया जा रहा है, आप इस पर कॉल कीजिए और ये पता कर लीजिए कि जो आपको रॉ मटेरियल मिला है क्या वो असली है या नकली है। हकीम साहब की कंपनी से मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पे ही आप लोग कॉल कर सकते हैं, लेकिन इंतजार के साथ, डिमांड क्योंकि बहुत ज्यादा होती है रॉ मटेरियल्स की। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका, क्या नाम है जी आपका? सवाल सवाल ये है कि हमें टीवी के मरीज हैं, टीवी के मरीज हैं, डालती क्या प्रॉब्लम है आपको? हमको ये है कि सीने में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है हाँ, और गला गला भरा भरा रहता है हमारा, टीवी के मरीज है। हाँ देखिए, टीवी का सबसे अच्छा इलाज एलोपैथ में है, जो आप दवा जरूर ले रहे होंगे, इसमें 3 महीने 6 महीने 9 महीने तक भी इलाज कर सकते हैं। इस इलाज पर अच्छी गिजाएँ खाना ज़रूरी है, नहीं तो टीबी के इलाज में फ़ायदा कम होता है या मुश्किल से होता है। आप यूनानी दवा साथ में ले सकते हैं, लेकिन टीबी का इलाज मैं तस्लीम करता हूँ कि एलोपैथ में बहुत अच्छा है, लेकिन गिजा खाना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, फेफड़ों वाला इलाज, जो भी फेफड़े को दवा फ़ायदा करती है वो लें, इम्यूनिटी की दवा लें, और एक नुस्खा मैं अक्सर बताता हूँ, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100-100 ग्राम और पीपले 30 ग्राम, इनको पाउडर बना के 1 चम्मच रोज़ाना सुबह निहार मुँह गर्म पानी के साथ लिया करें, खट्टी चीज़ें छोड़ दें, और लगातार जब तक टीबी का इलाज चले, जब तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उस दवा की भी बहुत मदद कर पाएगा। जी मेरठ से हैं जनक सिंह जी, स्वागत है आपका। हेलो जनक सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मिल रही है जी, बोलिए अपना प्रश्न कर लीजिए। हाँ मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार। आदाब साहब, जय हिंद। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी जो पत्नी है उनकी टांगों में घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र है 55 साल। हाँ देखिए, कैसा भी दर्द हो, टांगों में हो, घुटनों में हो, कमर में हो, एक गोंद का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, अगर असली मिल गया तो उनको फायदा मुमकिन है। ये गोंद स्याह कहते हैं इसे हम लोग, और आम भाषा में इसे काला गोंद कहते हैं, लेकिन दुकानदारों ने ये नकली बहुत रख रखा है, कि जगह हलवा दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, असली गोंद स्याह लें, आधा आधा ग्राम सुबह शाम खिलाएं, नाश्ते और खाने के बाद, और वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला उनके पास शौचालय होना चाहिए, तो उनको फायदा होना मुमकिन है। सुरेश देवी जी हैं हरियाणा से, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। हकीम जी नमस्कार। जय हिंद, आदाब। जय हिंद सर। सर मेरे 3 सवाल हैं। जैसे मेरी बहन की बेटी है, उसकी हाइट कम है, वो 15 साल की है। और दूसरा सवाल है, मेरा 5 साल से वजन बढ़ गया है। मैं नींद की दवाइयां लेती हूँ, उनके बाद मेरा वजन बढ़ गया है। और तीसरा सवाल है कि मेरी ट्यूबें ब्लॉक हो रही हैं, जैसे हम टेस्ट ट्यूब करवाना चाहते हैं, उनके लिए कोई उपाय हो तो बताओ, दोनों ट्यूबें बंद है। आपकी उम्र क्या है? मेरी 47 साल है। ठीक है। मेरे पास 2 बेटी हैं जी। ठीक है ठीक है।
हाँ देखिए, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि इनकी बच्ची है 15 साल की, हाइट कम है। अभी गुंजाइश हो सकती है उसमें। गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली, नकली बहुत मिल रहा है। 1 ग्राम रोज़ाना पानी में, दूध में या नारियल पानी में मिला के रोज़ाना एक बार दें। सफ़ेद गोंद मोरिंगा ये नकली बहुत मिलता है, असली लेने की जिम्मेदारी आप लें और बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है। दूसरा सवाल, इनका खुद का सवाल है कि इनका वेट बढ़ गया है और इन्हें लगता है कि नींद की दवाइयां लेने से, और ट्यूब ब्लॉक है इनकी दोनों। तो देखिए, एक एक दवा बता रहा हूँ, ये तीनों को आपके रोगों में फ़ायदा करेगी। आपकी नींद की गोली भी छूट सकती है, वज़न भी कम हो सकता है और ट्यूब्स भी खुलना मुमकिन है। देखिए, दवा एक है लेकिन काम बहुत कर कार्य बहुत करती है। एलोवेरा का सिरका, सिरका विनेगर, एलोवेरा का विनेगर 3 चम्मच या 4 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, 1 गिलास पानी में डालें। एक चुटकी में जितना खाने का सोडा आए वो उसमें डालें, मिक्स करें, और रात के समय जब भी आपका सोने का समय हो तो उस वक्त पी कर सो जाया करें। ये तीनों काम आपके लिए ये करते हैं। आप भरोसा रखें कि अगर आपने असली चीज़ें ली तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, तीसरा, दो ही सवाल थे हकीम अच्छा साहब। चलिए, इसी के साथ अगले कॉलर हैं हापुड़ से, ब्रह्म सिंह जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम, जी नमस्कार। हकीम जी को आदाब। आदाब साहब, जय हिंद। ब्रह्म सिंह जी, कहिए क्या अरे सवाल? भाई, एक दिन पहले बात हुई थी लेकिन बात हमारी बीच में कट गई, लास्ट टाइम पे फोन मिला तो बात पूरी नहीं हो पाई थी। अच्छा, हाँ, मुझे एक दर्द की शिकायत थी, मेरे पैर के पंजों से स्टार्ट हुआ और जी, मुझे याद आ गया। वो आ गया जी। तो जी अब इसमें मेरी पसलियों में भी दर्द है, एक मेरी जो है नींद बहुत कम हो गई और भूख कम हो गई। गोंद शिया मैंने आपका शुरू कर दिया है, अच्छा, करीब मुझे 4-5 रोज हो गए गोंद शिया लेते हुए। तो अच्छा, 4-5 तो कम ये तो ज्यादा मैंने तो नहीं हुआ नोट अभी? कर लिया। नहीं, अभी तो यथास्थिति है जी। अभी वैसे ही है? हाँ जी, एक अच्छा, मुझे देखिए अपनी मिसिज के विषय में भी बात करनी थी। ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, आज टाइम है, हमें अफसोस था कि आपसे बात पूरा जवाब नहीं दे सके। कभी कभी ये भी मजबूरी होती है, ये टेलीविज़न वाले जो है ना, बड़े ऐसे होते हैं, फौरन ही वक्त पर ही इन्हें सब कुछ चाहिए। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपका जवाब दूं और भगवान ने मेरी सुन ली। कौन सी आपने शुरू कर दिया, ये 5-7 दिन बाद फ़ायदा शुरू करता है। आप ये देखें कि 2% लोगों का दर्द बढ़ता है और फिर कम होता है, और 98% लोगों का दर्द कम होता चला जाता है। बढ़ा नहीं है तो कम ही होगा, और रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा देता है। एक 15 दिन में आपको महसूस होने लगेगा कि फ़ायदा होने लगा। वज़न नहीं उठाएं बिल्कुल भी, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, कुर्सी वाला शौचालय, और जो नींद नहीं आती उसके लिए आप रात के समय जब सोने का वक्त हो जाता है, जो हर आदमी का अलग वक्त होता है, तो उस वक्त आप 3 या 4 चम्मच जैतून का सिरका 1 गिलास पानी मिलाकर पी के सोया करें, और खूब भगवान से मदद मांगते हैं, फ़ायदा भगवान करता है, नाम मेरा होता है। वज़न ना उठाएं, मेहनत ना करें कुछ दिन इलाज के दौरान, और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है।